हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आपके लिए फिर से नया एक्सपेरिमेंट वीडियो लेकर के। दोस्तों हमारे चैनल पर लगातार फटाका एक्सपेरिमेंट के वीडियो आपको मिलते जा रहे हैं, लेकिन आज का वीडियो जो होने वाला है दोस्तों, ये सांप की गोलियों के साथ होने वाला है। दोस्तों फटाका एक्सपेरिमेंट करते करते मैं सोच रहा हूं कि ये जो सांप होता है इसको मैं अपने कंट्रोल में कैसे लाऊं। फटाका एक्सपेरिमेंट में जो सांप बनता है ये हमारा सांप की गोलियों से, इस सांप को मैं कंट्रोल में लाना चाहता था, तो मेरे पास एक आइडिया आया दोस्तों। आइडिया ये है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर आप मेरे पास देख रहे हैं दोस्तों, ये फायर एक्सटिंग्विशर का मैं उपयोग करूंगा और सांप को मैं लाऊंगा काबू में। दोस्तों इसको मैं भर दूंगा इसके अंदर सांप की गोलियों को, और यहाँ पे निकालना चाहता हूँ मैं सांप को। यहाँ से सांप जब बाहर निकलेगा तो किस तरीके से निकलता है, किस तरीके से हमको देखने मिलता है, उसी को जानने की मेरे अंदर एक्साइटमेंट है। दोस्तों आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं करता हूँ सेटअप को रेडी और वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो दोस्तों ये जो फायर एक्सटिंग्विशर था उसमें हमने यहाँ तक दोस्तों इसको पैक कर दिया है रेत से, और अब हमने ऐसा कर दिया इसको कि अब जब हम यहाँ सांप की गोली डालेंगे तो वो लगभग ऊपर ही रहेगी। हम अभी तक यहाँ दो पैकेट का उपयोग करने वाले हैं। इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और इसके अंदर ये गोलियों को भरना स्टार्ट करता हूँ, और फिर बाद में हम इसको फुलझड़ी की मदद से दोस्तों जला देंगे। और हमको उम्मीद ऐसी है कि जब हम इसका ढक्कन यहाँ से बंद कर देंगे तो जो सांप की गोली जलेगी वो यहाँ से सांप निकालेगी, और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मज़ा इससे आ जाएगा। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ इसमें सांप की गोलियों को ज़्यादा से ज़्यादा गोलियों को भरने की। पैकेट में 10 गोलियां हैं, इसके हिसाब से मैं यहां पर 100 गोलियों को भरने वाला हूं। तो दोस्तों इसमें मैंने अभी तक 50 गोलियों को अंदर भर दिया। दोस्तों 100 गोलियां भरा नहीं पा रही, उतनी जगह नहीं है इसमें, तो इसमें मैंने 50 गोलियों को भर दिया। दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि जब हम इसमें आग लगाएंगे तो सांप यहां से निकलेंगे दोस्तों, और इससे काफी लंबा सांप काफी देर तक निकलेगा, हमें बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और मजा आ जाएगा। दोस्तों सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब दोस्तों इसमें लगाता हूं आग और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों पहले ट्राई में तो यहाँ से काम नहीं हो पाया, अच्छे से जल नहीं पाई, और मैं इसी बड़े वाले छेद से ही सांप की गोलियों को जलाकर निकालने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं ये काम करता है क्या। तो दोस्तों पहले ही मुझे लगता है कि सांप की गोलियाँ अंदर से जल चुकी है, जो हमने पहली बार 50 गोलियाँ डाली थी वो अच्छे से नहीं जल पाई। अब मैं यहाँ पर ही 50 गोलियों को डालता हूँ और देखते हैं दोस्तों कितने अच्छे से निकलती है और हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों तो दोस्तों मैं यहाँ पर डालता हूँ 50 गोलियों को और देखते हैं आग लगा करके कि सांप फिर कैसा निकलता है। दोस्तों इसके पहले भी हमने सांप से रिलेटेड लगातार वीडियो किए हैं दोस्तों चैनल पर, आप उनको भी जाकर के देखिए। उसमें जो सांप की गोलियां हैं दोस्तों वो जलने के बाद किधर भी जा रही थी, इसलिए मैंने इसमें सोचा है कि ताकि अब ये एक ही जगह से निकले, इसलिए हमने ये सिस्टम को लगाया है। अब दोस्तों इसमें मैंने 50 गोलियों को और डाल दिया है इस साइड से, अब आग लगाते हैं और देखते हैं कि सांप किस तरीके से निकलता है। दोस्तों तो दोस्तों फुलझड़ी से मैं लगाता हूँ यहाँ पर आग। तो दोस्तों अभी तक तो सांप इतना ही ऊंचा निकला है, 50 गोलियां अभी पूरी नहीं जली है दोस्तों, या नहीं जली होगी मुझे लगता है, क्योंकि इसमें तो और ऊंचा सांप निकलना चाहिए था। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, और फिर से मैं एक बार और आग लगाता हूँ। अब दोस्तों अगर कोई भी गोली इसमें बची होगी तो वो शायद जल जाएगी इससे, पर नहीं दोस्तों सारी गोलियां लगता है कि पहले ही जल चुकी थी। तो दोस्तों हमारी फुलझड़ी ही सांप की तरह हो गई है, लेकिन अंदर सांप की गोली कोई भी नहीं बची थी, तो कोई भी गोली नहीं जली है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। दोस्तों जिस तरीके से हमने सोचा था ये उस तरीके से वर्क तो नहीं करा दोस्तों, फिर भी काफ़ी मोटा सांप निकला था, लंबाई थोड़ी कम थी सांप की। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।